बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने इंटरनेट पे मुल्तानी सोन हलवे की बेशुमार रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ असल मुल्तानी सोन हलवे की अथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप भी घर में परफेक्ट मुल्तानी सोन हलवा बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुल्तानी सोन हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए दूध 4 लीटर, मैदा आधा किलो, चीनी 3 पाव, सम्नक पाउडर 3 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी मैं बहुत डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसे जाके ज़रूर देखिएगा और कोशिश करें कि आप इसे घर में ही बनाएं, क्योंकि मार्केट का समटाइम फ्रेश नहीं होता और ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है, इसी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। गंदम का आटा 6 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, सब्ज़ इलायची पाउडर 6 से 7 इलायचियाँ लेके मैंने उन्हें बारीक पीस ली है। घी 1.5 पाव। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं अखरोट, बादाम और पिस्ता, हसबे ज़रूरत। आपके पास जौन से भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक खाली बाउल में मैदा डालेंगे। साथ ही सम्नक डाल देंगे, इसको अंगूरी आटा भी कहा जाता है, सब्ज आटा भी और सोहन भी कहते हैं। अब हम गंदम का आटा डालेंगे। इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम इन्हें यकजान कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। वही जो 4 लीटर दूध था उसी में से मैंने लिया है। लें जी, घोल हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, इसमें कोई लम्स भी नहीं रहना चाहिए और ये हाथों की मदद से ही अच्छी तरह से मिक्स होगा। इस सारे प्रोसेस में 1/2 लीटर दूध हमारा इस्तेमाल हुआ है। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक बर्तन में बाकी बचा हुआ दूध डाल देंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, मीडियम हीट है इसकी। बकाया 3.5 लीटर दूध हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसमें घोल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि ये साथ ही दूध में जाते ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लें जी, तमाम घोल मैंने डाल दिया दूध में और ये देखें बहुत अच्छी तरह से साथ मिक्स हो गया है। अब सोन हलवे का असल प्रोसेस शुरू होगा। अब हम इसको मीडियम हीट पे पकने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम इसको चेक करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे ना लगने पाए। मैं आप लोगों को बीच बीच में दिखाती रहूंगी। तो चलिए, आप थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। आधा घंटा हो गया है सोन हलवे को चूल्हे पे चढ़ाए हुए और मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ, ताकि इसमें गुठलियां ना बने। और ये देखें, दूध भी हमारा फट गया है, दानेदार सा बन गया है। अब हमें इसमें लेमन जूस डालने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि सम्नक हमारी घर की बनी हुई थी और उसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है ऑटोमेटिकली। ये देखें, दूध फट गया है। अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो फिर आप लेमन जूस इसमें डाल सकते हैं।
अब हम इसमें से चम्मच हटा देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद 4-5 मिनट के बाद इसमें चम्मच चला के चेक करते रहेंगे। सोन हलवे को पकते हुए 1 घंटा हो गया है और ये देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। सोन हलवे को पकते हुए 2 घंटे हो गए हैं और दूध इसका अच्छी तरह से खुशक हो गया है और इसका कलर देखें किस कदर खूबसूरत सुनहरा कलर इसका आया है। कोई हमने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है, ये देखें ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको इतनी देर भूनेंगे कि पानी इसका अच्छी तरह से खुशक हो जाए और साथ ही हम सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है वो डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी का पानी यहाँ पे खुशक हो गया है और हलवा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। इसका कलर देखें किस कदर खूबसूरत कलर है इसका और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है किचन में से। और टेस्ट तो आप इसका पूछे ही ना कि कितना आला टेस्ट बना है इसका। अब हम इसमें घी डालेंगे। और घी डाल के हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है कि हलवा हमारा ठंडा हो जाए ताकि घी इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो घी ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। ठंडा होने तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। लें जी यहाँ पे घी हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और टेम्परेचर भी हलवे का नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शेप सांचे में बटर पेपर लगा के इसको तैयार कर लिया है। मैं इस सांचे में हलवे को निकालूंगी। आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल हो आप उसमें हलवा निकाल सकती हैं, ट्रे हो या कोई सांचा जिस भी शेप का हो कोई मसला नहीं है। हलवा पैन में अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसका फाइनल स्टेप करेंगे, इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। अब हम हलवे को 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हलवा सेट हो गया है। अब हम इसको सांचे में से निकाल के कट कर लेंगे। ले जी सोन हलवा यहाँ पे तैयार हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा बना है। आज आप लोग मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और एक एक मैंने आपको इसका स्टेप बताया। फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप रेसिपी को दोबारा देखें और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।